दोस्तों, मैं हिदायत खान, गोल्ड अचीवर चैमकेस। आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं और चैमकेस, ये दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, और चैमकेस में जो इनकम आप कर सकते हो क्या वो बाहर से करना पॉसिबल है, ये आप खुद सोच सकते हो। चैमकेस ने जो फिक्स इनकम लॉन्च किया है कि पर ज्वाइनिंग आपको मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा, उससे उस मिनिमम अमाउंट से भी आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं ये जानते हैं। तो शुरुआत आपसे करते हैं कि आपने अगर एक महीने में सिर्फ 10 लोगों को भी ज्वाइन कर दिया तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। आपने एक महीने में 10 लोगों को ज्वाइन किया, मिनिमम अमाउंट जो फिक्स हुआ है 10 रुपीज फर्स्ट लेवल से, अगर 10 रुपीज पर ज्वाइनिंग मिलता है तो आपका पहले महीने का इनकम हो जाता है 100 रुपए। अब ये 10 लोग भी अगर आगे एक महीने में सिर्फ 10-10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी टोटल टीम हो जाती है 100 लोगों की, और इन 100 लोगों से 10% के हिसाब से आपको मिलेगा यहाँ पे 2 रुपीज। तो इसके हिसाब से आपका दूसरे महीने का इनकम हो जाता है 200 रुपीज। इसी तरह से तीसरे महीने में ये 100 लोग अगर 10-10 लोगों को ज्वाइन कराने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी टोटल 1000 लोगों की टीम हो जाती है, और पर ज्वाइनिंग 2 रुपीज आपको मिलता है तो आपके तीसरे महीने का इनकम हो जाता है 2000 रुपीज। इसी तरह से ये 1000 लोग अगर 10-10 लोगों को ज्वाइन कराने में सक्सेस होते हैं आपकी सपोर्ट से और पूरे टीम के सपोर्ट से, तो चौथे महीने में आपका टोटल टीम हो जाता है 10,000 लोगों का, और पर ज्वाइनिंग 2 रुपीज कमीशन मिलता है अगर, तो आपका फोर्थ मंथ का जो इनकम है वो हो जाता है 20,000 रुपीज। इसी तरह से फिफ्थ मंथ में ये 10,000 लोग अगर 10-10 लोगों को ज्वाइन कराने में कामयाब होते हैं तो आपकी टोटल टीम हो जाती है 1,00,000 लोगों की, और फिफ्थ लेवल से 2 रुपीज पर ज्वाइनिंग मिलता है तो आपका टोटल इनकम पांचवें महीने का हो जाता है 2,00,000 रुपए। इसी तरह से छठवें महीने में अगर ये 1,00,000 लोग 10-10 लोगों को ज्वाइन कराने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी टोटल टीम हो जाती है 10,00,000 लोगों की, और सिक्स लेवल से अगर 1-1 रुपए भी इस मिनिमम अमाउंट के हिसाब से मिलता है तो आपका टोटल इनकम हो जाता है सिक्स मंथ का 10,00,000 रुपीज। इसी तरह से सातवें महीने में भी अगर ये 10,00,000 लोग सिर्फ 10-10 लोगों को पूरे महीने में ज्वाइन कराने में सक्सेस होते हैं पूरे टीम के सपोर्ट से, तो आपका 7 महीने में टोटल टीम हो जाता है 1,00,000,000 लोगों का, और अगर 1 रुपया पर ज्वाइनिंग भी आपको मिलता है मिनिमम अमाउंट जो फिक्स हुआ है उसके हिसाब से, तो सातवें महीने का आपका जो इनकम है वो 1,00,000 है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 7 महीने में आप 1,00,000 की अर्निंग कर सकते हैं सातवें महीने का, जो कि मिनिमम अमाउंट फिक्स हुआ है उसके हिसाब से भी। अब टोटल इनकम यहाँ पे देखते हैं 1,12,22,300, ये टोटल 7 महीने की आपकी टोटल इनकम है। अब इसको जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा पर मंथ इनकम कितना हुआ इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसे हम डिवाइड करते हैं 12 मंथ के हिसाब से। अगर इस अमाउंट को हम 12 मंथ में डिवाइड करते हैं तो पर मंथ का जो एवरेज इनकम आ रहा है वो 16,03,185 रुपए। चलिए, ये हम एक साल में भी अगर नहीं कर पाए, हमने ये काम करने में 2 साल लगा दिया यानी 24 महीने लगा दिया, तो भी हमारी मंथली एवरेज इनकम हो रही है 9,35,191 रुपए। मान लेते कि हम 2 साल में भी ये सक्सेस नहीं होते हैं ये चीज करने में, हमने लगा दिया 3 साल, तो भी हम पर मंथ जो इनकम ले रहे हैं यहाँ से वो है 3,11,730। चलो मान लेते और हमसे काम नहीं हो पाया और हमने 4 साल लगा दिए इसी काम को करने में, तो भी आप जब पर मंथ अपना एवरेज इनकम निकालेंगे तो 2,33,797 रुपए होगा। चलो यहाँ पे भी हम मान लेते कि हमने 4 साल में भी ये काम नहीं कर पाए, हमने 5 साल लगा दिया इस काम को करने में यानी 60 महीने लगा दिए, तो भी आप इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 60 से तो आपको 1,87,038 रुपीज पर मंथ की इनकम हो रही है। मान लीजिए आपने 5 साल में भी नहीं किया, ये 6 साल लगा दिया आपने करने में, तो भी
1,55,865 रुपए पर मंथ की एवरेज इनकम हो रही है। आपने अगर ये करने में 84 मंथ्स भी लगा दिए तो भी आप उसको अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो 1,33,598 रुपीज पर मंथ की इनकम आपकी हो रही है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि जो काम 7 महीने में कंप्लीट होना है, अगर उस काम को करने में आप 84 महीने भी लगाते हो तो भी आपकी एवरेज इनकम 1,33,598 से ज्यादा होगी। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि आप जो कुछ आज कर रहे हो वहां पे क्या प्रोग्रेस है आपका और चैमकेस में आपका क्या प्रोग्रेस है। तो दोस्तों दिल से चैमकेस बिजनेस को कीजिए और आप एक बार सोचिए, दिल से सोचिए कि इस बिजनेस में कितना पावर है। आप ये मत सोचिए कि पर ज्वाइनिंग 10 रुपए मिल रहा है या 1 रुपए मिल रहा है, आप खाली ये सोचिए कि इस काम को करके आप इतने दिनों में इतना अच्छा इनकम कर पा रहे हो तो क्या ये बाहर की दुनिया में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं सर, कोई बहुत ही हाई फाई पोस्ट का इंसान होगा वही ये इनकम कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा बाहर की दुनिया में। लेकिन चैमकेस में हर किसी के लिए ये पॉसिबल है कि वो इतनी अच्छी अर्निंग यहाँ से कर पाएगा।